नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का किसानों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह का आयोजन स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल्स राहतगढ़ में किया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं से संबंधित चर्चा की गई। वहीं इसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग पाठक, युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष सलमान कुरैशी, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष शोएब कुरैशी, चंदू नेताजी रफीक भाई, अजीम नेता, वरिष्ठ पत्रकार असलम रंगरेज सहित कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। खुशी है कि हमारे सागर क्षेत्र में हमारे बड़े भाई और हमारे मंत्री आदरणीय गुण राजपूत जी के नेतृत्व में भी इस इलाके में विकास का काम शुरू हो गया है। एक महत्वपूर्ण बात चरण भाई ने कपूर साहब ने की है, पहले सब्सिडी पर आस्था बहुत उपलब्ध किसान को कराते थे, उस योजना को वापस पुनः चालू करने के लिए ऊर्जा मंत्री से हम लोग जरूर बात करेंगे। मौसम पर आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आगामी आने वाले जो स्थानीय चुनाव है निकायों के, संसद पंचायतों के, जिला पंचायत के, उसमें अपने सदस्यता भागीदारी हमारे साथी कार्यकर्ता करें। जो काम नहीं हो पा रहे हैं उनको निश्चित तौर पर आगे चार साल हमारे पास और सरकार में रहेंगे, उनको पूर्ण करने का हमारा प्रयास होगा। एक बार फिर से चैलेंज भाई और पूरी राजद की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।